हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पेपर जो 21 फरवरी 2023 को हुआ है SPSC के थ्रू, उसके MCQs डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। सो ये पेपर है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग कैडर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर BPS 17। मज़ीद आप पोस्ट करके देख सकते हैं। और ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का पेपर था, इसमें 100 मैक्सिमम मार्क्स थे। और ये पेपर 21 फरवरी 2023 को हुआ है। इसका टाइमिंग 2 से 3 बजे तक था, यानी कि ये 3 घंटे का पेपर था। और फर्स्ट, अगर हम MCQs की बात करें तो फर्स्ट MCQs कुछ इस तरह से था, इन बैटल ऑफ ओहद हु वाज लीडिंग द आर्मी ऑफ नॉन मुस्लिम्स। अगर हम बैटल ऑफ ओहद की बात करें तो बैटल ऑफ ओहद, जंगे ओहद में जो नॉन मुस्लिम्स कुफार का जो सरदार था वो अबू सुफियान था। अबू सुफियान की अगर हम बात करें या बैटल ऑफ ओहद की अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ ओहद 3 हिजरी को लड़ी गई थी। और ओहद एक माउंटेन का एक नाम है, पहाड़ का नाम है, तो उसके करीब ये जंग लड़ी गई थी। सो इसे बैटल ऑफ ओहद कहते हैं। इसमें नॉन मुस्लिम्स 3,000 थे, 3,000 कुफार ने शिरकत की थी इस जंग में, और मुस्लिम्स 1,000 थे, 1,000 मुसलमानों ने शिरकत की थी। अगर हम अबू सुफियान की बात करें तो ये पहले कुफार थे और बाद में उन्होंने मुसलमान हुए थे, इस्लाम कबूल किया था। और ये फादर थे उम्मे हबीबा जो कि उम्मुल मोमिनीन थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मुबारका थी। और ये जो थी अबू सुफियान की साहिबजादी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा थी। नेक्स्ट है, टूअर डे फ्रांसे इज़ अ स्पोर्टिंग इवेंट विच रिलेट्स टू विच गेम। सो ये जो है साइकिलिंग के रिलेटेड एक गेम है जिसको टूअर डे फ्रांसे कहा जाता है। सो साइकिलिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश इज़ अ नैरो स्ट्रिप टेरिटरी विच सेपरेट्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड ताजिकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर वाखान है, वाखान कॉरिडोर इसका करेक्ट आंसर है। विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल, मेटल की अगर हम बात करें तो लाइटेस्ट मेटल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर है। URL का फुल फॉर्म पूछा गया है। सो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और RSVP, ये जो इनविटेशन कार्ड्स पे लिखा होता है RSVP, और ये फ्रेंच टर्म है, इसका फुल फॉर्म है रिस्पोंड इफ़ यू प्लीज़, रिस्पोंड इफ़ यू प्लीज़ इसका करेक्ट आंसर है। नेपियर एक सिटी है, नेपियर सिटी, और पूछा गया है कि ये किस कंट्री में लोकेटेड है। सो न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर है। नेपियर इज़ अ सिटी विच इज़ लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ न्यूजीलैंड। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ओनली वीमेन मैंशन इन द होली कुरान, कुरान मजीद में सिर्फ एक ही खातून का नाम आया है और उस हस्ती का नाम हज़रत बीबी मरियम है, हज़रत बीबी मरियम इसका करेक्ट आंसर है। DNA का फुल फॉर्म पूछा गया है, DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीबोनोक्लेट एसिड, इसका फुल फॉर्म है DNA का। और नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ऋषि सुनाक हैं, ऋषि सुनाक ये 2022 में ही बने हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। और ये बहुत बड़े टाइकोन हैं, बिजनेसमैन भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन करंट जो ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त ये ऋषि सुनाक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं। सुंदर पिचाई गूगल के जो CEO हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सो ये इंडिया से बेसिकली बिलोंग करते हैं, सुंदर पिचाई। और ये गूगल के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और ये इंडिया से बेसिकली बिलोंग करते हैं। सोमनाथ जो है ये किस स्टेट में है? सोमनाथ टेंपल जो है ये गुजरात स्टेट में है। इस पर महमूद गजनवी ने अटैक किए थे और 17 अटैक्स किए थे और महमूद गजनवी ने किए थे। और ये इंडिया के गुजरात स्टेट में है, भारत के गुजरात रियासत में है। द सन इज़ अ स्टार, स्टार इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को देखने के बाद testpoint.pk विजिट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज़, सो इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, सो ये किस मुल्क में है? दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में पाए जाते हैं और वेनेजुएला जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है। आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द
व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया भी साउथ एशिया का एक कंट्री है और इसका कैपिटल न्यू दिल्ली है। मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप इसके बारे में ज़रूर याद रखें। ये नवंबर 2021 में, नवंबर या फिर दिसंबर 2021 में इसको लॉन्च किया था नासा ने, जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, और ये दुनिया का जो है मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। नेक्स्ट है, लॉन्ग साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस, तो इसका करेक्ट आंसर है कन्वेक्स लेंस इसका करेक्ट आंसर है। हु आर द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो पहले कप्तान थे वो अब्दुल हफीज़ कारदार थे। और आपसे ये क्वेश्चन है कि करंट कैप्टन कौन है पाकिस्तान, मेल्स के मैन कैटेगरी में करंट कैप्टन कौन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, नेशनल टीम के। अरबियन सी इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, अरबियन सी इंडियन ओशन बहरे हिंद का पार्ट है, हिस्सा है। इस वीडियो लेक्चर में चंद ही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बाकी सवाल आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस तरह आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप मज़ीद सवाल देख सकते हैं और SPSC के पास पेपर्स भी देख सकते हैं। इस YouTube चैनल पर इंग्लिश GK करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली बेसिस पर हम अपलोड करते रहते हैं, आप बाकायदगी से वीडियोस को देखा करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको पास्ट पेपर्स PDF के साथ मिल जाएंगे, हर पेपर में आने वाले क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए testpoint.pk ज़रूर विज़िट करें। testpoint.pk वो वेबसाइट है जहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेल एंड दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।